नमस्कार, जीएसटी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका राव। वैसे जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो टैक्स का बदलाव हुआ है उसने एक नई डेफिनेशन छाप दी है। वो है जीएसटी, यानी कि गुड्स स्टॉक्स टू ट्रेड। इसलिए हम आधे घंटे का एक कार्यक्रम आपके लिए लेके आ रहे हैं, ताकि जीएसटी की पूरी एक तो कहानी आपको पता लग पाए कि इस समय कौन से प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी की दर घटी है, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए शेयर्स, उससे जुड़ा मुनाफा वो आपके अकाउंट पे आ जाए। हालांकि काफी सारे शेयर्स ने रिएक्शन दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि टैक्स की दर ये एक बार घटने के बाद एप्लीकेबल रहेगी, कई साल तक एप्लीकेबल रहेगी, और उसका बेनिफिट धीरे धीरे बैलेंस शीट्स पे आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव हमको होना होगा कि हाँ कितना फर्क पड़ेगा, किस कंपनी में ज्यादा किस कंपनी में फर्क, क्योंकि टैक्स की दर तो कई प्रोडक्ट्स पर घटी है। इसलिए हमने चुनिंदा करीब 9 शेयर हम आपके सामने रखने वाले हैं, जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि जीएसटी का सीधा बेनिफिट यानी कि गुड स्टॉक्स टू ट्रेड वो आपके अकाउंट में कौन कौन से बनते हैं। शर्मिला जोशी मेरे साथ जुड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे, साथ ही साथ संजीव भसीन भी होंगे, ये दोनों मिलकर आपको करीब 9 शेयर देंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये देख लेते हैं कि दरें किस किस में घटी हैं। वाटर हीटर के अंदर दरें घटाई गई, 28 से 18 हुई हैं। फ्रिज की दरें भी पहले 28% थी, अब 18% की दर पर हैं। इसके अलावा कुछ एक और प्रोडक्ट जहां पे दरों को तेजी से घटाया गया, उसमें वॉशिंग मशीन भी है। तो कंज्यूमर गुड्स के जो तीन चार बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें तीन चार बड़े प्रोडक्ट भी आते हैं, उनकी दरों को तेजी से घटाया गया। LED जो कि 68 सेंटीमीटर की कैटेगरी के अंदर है, वो पहले 28% की कैटेगरी में आता था, अब वो 18% की कैटेगरी में है। वैक्यूम क्लीनर, पेंट्स और साथ ही सेंट, मार्बल्स, पेंट, ये कुछ एक ऐसी कंपनियां हैं जिन पे पहले दर जो 28% की लगती थी, अब घटाकर 18% की कर दी, यानी कि टैक्स का 10% का सीधा सीधा बेनिफिट या तो एक कंज्यूमर को पास ऑन होगा प्रोडक्ट सस्ते होने के बहाने, नहीं तो ये सीधा बैलेंस शीट में एडजस्ट हो जाएगा बेहतर मार्जिन के तौर पर और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के तौर पर। दोनों हिस्सों में ये सारे खपत वाले शेयर, सरकार की भी थीम यही थी कि जहां पर उनका रेवेन्यू कम से कम डैमेज हो, लेकिन लोगों का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, किसी वजह से 28% की कैटेगरी में चले गए, उनको कम किया जाए, वो सरकार ने किया है। तो सर सरकारी रेवेन्यू लॉस तो ज्यादा नहीं होगा, बल्कि खपत का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। या तो आप कंज्यूमर हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, दोनों ही केसेस में आपको बेनिफिट होगा। अब बात इन्वेस्टर की सिर्फ करेंगे। शर्मिला जोशी मार्सा जुड़ी हैं। शर्मिला, आपकी लिस्ट में, क्योंकि काफी सारे शेयर्स हैं, तो आपकी लिस्ट में पहला शेयर कौन सा है जो आप कह रहे हैं कि इस जो जीएसटी की बैठक कॉन्क्लूड हुई है, चुनावी साल है, सरकार ने दम लगाकर टैक्स की दरों को कम किया है, तो आपकी लिस्ट में पहला शेयर कौन सा है? पहले हम बात करेंगे ब्लू स्टार की। जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे कि ये जो सब वाइट गुड्स स्पेस हम जिसको मानते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। जैसे आप बात कर रहे थे कि जीएसटी की दरें तो घटा दी गई है काफ़ी इंडस्ट्रीज के लिए, लेकिन इसमें अहम चीज़ क्या है, क्यों ये सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है ये सेक्टर इस समय पर, दैट इज़ बिकॉज ये हम मानकर चल रहे हैं और ये अजम्पशन है लार्जली कि इसका जो प्राइस बेनिफिट है, यानी जो कम प्राइसेस होंगे इन चीज़ों की, उसका जो टैक्सेस कम हुए उसका सीधा सीधा पास ऑन होगा कंज्यूमर को। तो हमें जो पैसे देने पड़ते हैं टीवी के लिए या फ्रिज के लिए या वैक्यूम क्लीनर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, वो काफ़ी वो उस यू नो दैट विल बी अ स्ट्रेट पास ऑन। तो उस वजह से मुझे लगता है कि एक वैसे भी कंजम्पशन एक बहुत तगड़ा थीम था पिछले पूरे साल में, उसके साथ साथ मॉनसूनस भी अच्छे रहे, इसका भी डायरेक्ट बेनिफिट आएगा। तो उसके चलते आई थिंक यू नो जिस तरह से ब्लू स्टार करेक्ट हुआ है और जिस तरह से उन्होंने काफ़ी अच्छी एंट्री की है इन सब चीज़ों में, इन सब गुड्स में, और वो अपना बढ़ा रहे बेस, उसको देखकर ऐसे जरूर लगता है कि उनको इस चीज़ का फायदा होगा। बिल्कुल, तो ब्लू स्टार इस कैटेगरी में पहला शेयर है शर्मिला की तरफ से। बिल्कुल 750 तक का टारगेट है। एक और रिपोर्ट जो हम लगातार आपके सामने साझा भी करते रहे, उस रिपोर्ट के जरिए ये था कि 25-30% अपने टोटल डिस्पोजेबल इनकम जो हम खर्च करते हैं, हमारी जो खर्च करने वाली क्षमता है, उसका कहीं ना कहीं लग्जरी और नेसेसिटी का जहाँ पे कॉम्बो बन रहा है वहाँ पे खर्च होगा। ये शेयर कुछ उसी कैटेगरी में आता है। ये पहले एयर कंडीशनिंग कहीं ना कहीं लग्जरी में आता था, होम अप्लायंसेस के ज़्यादा बड़े प्रोडक्ट लग्जरी में आते थे, लेकिन अब ये नेसेसिटी की कैटेगरी में भी है। और भारत के अंदर अगर ग्रामीण भारत की थीम तेजी से बढ़ेगी तो नया बाजार इनके लिए खुलेगा। अर्बनाइजेशन तो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन ग्रामीण भारत में भी जो खर्च करने की क्षमता है वो भी ब्लू स्टार जैसी कंपनीज को बड़ा बेनिफिशियरी देगी। एयर
कंडीशनिंग में भी है, जो कि भारत चाइना के मुकाबले तो बेहद पीछे है। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही कंडीशनिंग पर डाल दिया जाए तो सारी की सारी कंपनियां ये रीरेट हो जाएंगी। तो एक जरूर ध्यान देने वाली बात, 750 का टारगेट शर्मिला की तरफ से। ये पहला शेयर जो कि जीएसटी का बेनिफिशियरी है, यानी कि गुड स्टॉक्स टू ट्रेड है, जीएसटी का बेनिफिट, हमने एक नया नाम दिया आपको। शर्मिला, दूसरा शेयर कौन सा आपकी लिस्ट में? दूसरा शेयर हम बात करेंगे बाटा के बारे में। बाटा के नतीजे हमने पिछले हफ्ते ही देखे और बहुत बेहतर नतीजे थे, सो आई थिंक इट्स अ कंबाइंड रीजन। एक तो बेनिफिट ऑफ बेटर नंबर्स हम देख ही रहे कि मार्केट काफी रिवॉर्ड कर रहे हैं उन कंपनीज को जिनके क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो कैप बढ़ा दी गई है फ्रॉम 500 टू 1000, 5% जीएसटी की, वो मेरे हिसाब से आई थिंक कि जो पहले आप बात कर रहे थे उन सभी चीजों को भी फिट करती है, क्योंकि मार्केट एक्सपैंड हो रहा है और उसके साथ साथ अगर आप 1000 रुपीज के कैटेगरी में बात करें, इट्स अ वेरी अफोर्डेबल ब्रैकेट, और ये बहुत अच्छी चीज हुई है मेरे हिसाब से ये पूरे जीएसटी के जो रेट्स चेंज हुए, क्योंकि 500 वाज अ रियली लो बैंड टू हैव फॉर 5%, और अब ये क्योंकि 1000 तक बढ़ाया गया है, इसका बेनिफिट और बहुत सारे लोगों को मिलेगा एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन गेट्स कवर्ड इन दैट। तो मेरे हिसाब से ये कंपनीज के लिए, जो एक तो इनके नतीजे वैसे भी अच्छे थे, बाटा एक काफी नोन ब्रांड है पूरे, इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी, काफी नोन कंपनी है, और उसके साथ साथ उनके लिए ये चीज एक बेनिफिट बनकर जरूर साबित होगी। सो माय नेक्स्ट स्टॉक दैट आई पिक इज बाटा। ठीक है, तो शर्मिला का जो दूसरा शेयर है बाटा है, इस पे तो ध्यान रखना ही होगा क्योंकि 1000 रुपए तक के जूते पर अब आपको सिर्फ 5% का जीएसटी देना होगा। ये पहले 500 रुपए तक का होता था, अब ये 1000 रुपए है, यानी कि बाटा के काफी सारे प्रोडक्ट अब इस ब्रैकेट में गिर जाएंगे। एक और बेनिफिट है, वो है बाटा का ट्रस्ट, बट ट्रस्ट के साथ वो ट्रेंडी नहीं था, अब वो ट्रेंडी भी हो गया है, तो डबल टी का बेनिफिट अब बाटा के अकाउंट में जाएगा। ट्रस्ट और ट्रेंडी, इसकी वेबसाइट से इसकी झलक आपको मिल जाएगी। दूसरा, ये कंपनी एक्सपोर्ट्स भी करती है, तो रुपए की जो करेंसी जो वीक है उसका बेनिफिट भी आपको बाटा के अंदर दिखेगा। साथ ही ऑनलाइन टाइप्स जो हम इन कंपनीज पर देख पा रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे फैशन से जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स हैं, वो ज्यादातर ऑनलाइन में काफी अच्छी सेल्स लेके आती हैं, तो स्टोर के अलावा जब ऑनलाइन सेल्स है उसमें कंपनी के मार्जिन्स बेहतर हो जाते हैं, तो ये बेनिफिट भी बाटा के अंदर आपको जरूर मिलेगा। और आप 842 रुपए का टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें, तो जीएसटी का बेनिफिशियरी एक बाटा भी है, जो कि शर्मिला की लिस्ट में दूसरा शेयर आके बनता है। शर्मिला ने अब तक 2 शेयर दिए हमको, एक तो पहले ब्लू स्टार जो कि रेफ्रिजरेशन और कोल्ड के अंदर है, और दूसरा है बाटा, और यहाँ पे आपका टारगेट जो है 920 का है, और ये भी खरीदारी की राय है, और ब्लू स्टार पे आपका 750 का तक का टारगेट है। शर्मिला, आपकी तरफ से तीसरा शेयर भी। ये भी रिलेटेड सेक्टर से ही है, रिलैक्सो फुटवेयर, यहाँ पे टारगेट 820 रहेगा, और जाहिर सी बात है आई थिंक कि जैसे मैंने पहले ब्लू स्टार की बात की, सो आई थिंक द एंटायर सेक्टर बेनिफिट्स, यू नो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लू स्टार ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कंजम्पशन एक इतनी अच्छी थीम है, तो जो बाकी जो स्टॉक्स है उस सेक्टर में उनको भी इस चीज का बेनिफिट होगा। वैसे ही आई थिंक, यू नो, जहाँ बाटा की बात कर रहे हैं वहाँ रिलैक्सो फुटवेयर, और मेरा जो चौथा पिक है लिबर्टी शूज, इन सभी शेयरों की यू नो आई थिंक इट्स द सेम थीम, क्योंकि अगर आप देखें कि इनका कितना परसेंटेज है ये 1000 रुपीज वाले मार्केट में, और इसका कितना बेनिफिट पास ऑन होगा कंज्यूमर को, आई थिंक यू नो दैट्स द अदर थीम, कि एक तो आपको बेनिफिट मिल रहा है इस चीज का कि टैक्स कम की यू नो द रेट हैज कम डाउन, और जो बैंड बढ़ा गया है 500 रुपीज टू 1000, इस चीज का काफी बेनिफिट रिलैक्सो फुटवेयर को भी मिलेगा। इन एनी केस आई थिंक द स्टॉक हैज बीन डूइंग वेल, काफी अच्छे वैल्यूएशन है, तो यहाँ पर भी आप खरीद कर सकते हैं। ठीक है, तो शर्मिला की लिस्ट में आज लेदर से जुड़ी हुई कंपनी, खासकर जो फुटवेयर से जुड़ी हुई कंपनीज है, वो लिस्ट में बढ़ रही हैं, क्योंकि 1000 रुपए की ब्रैकेट में कई प्रोडक्ट, कई इनके जो उत्पाद हैं वो ब्रैकेट में आ जाएंगे, जहाँ पे दर सिर्फ 5% जीएसटी की लगेगी, यानी कि जूते ऑलरेडी महंगे हो गए थे पैरानी जीएसटी की वजह से, अब वो सस्ते होने की तरफ भी बढ़ेंगे। खपत तो जस की तस है, वो तो बढ़ भी रही है, बल्कि जो टैक्स की दर कम होने से या तो कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, अगर ये पास ऑन हो गया तो कंज्यूमर को सस्ता जूता भी मिलेगा। तो 1000 रुपए की कैटेगरी के अंदर जो आए हैं प्रोडक्ट वो आपके सामने हैं, उसमें बाटा तो ऑलरेडी हाई है, शर्मिला ने दिया है रिलैक्सो, और साथ ही इनके एक लिस्ट में लिबर्टी भी है। शर्मिला, लिबर्टी के अंदर कुछ और भी आप नोटिस कर रहे हैं क्या, जैसे कि इनका जो इंस्टीट्यूशनल ग्रोथ सेगमेंट है जिसमें ये आर्मी से अच्छे ऑर्डर्स लेते हैं, बांग्लादेश श्रीलंका में इनके अच्छी प्रेजेंस है, और रबर के बेनिफिट भी इनके अकाउंट में काफी आ रहे हैं, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं फुटवेयर के हक में तो जारी होंगे।
बिल्कुल, आई थिंक इन्हें, और जैसे कि आपने कहा कि जो रबर का जो इफेक्ट था वो हम एक हद तक ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए देख चुके थे, यू नो, वेदर इट इज अ बाटा, वेदर इट इज अ लिबर्टी शूज. लेकिन जैसे कि आपने लिबर्टी शूज के लिए कहा कि एक तो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स अच्छे है और अच्छे होने की आगे चलकर भी संभावना है, उसके साथ साथ जैसे मैं पहले जिक्र कर रही थी, उनका 1000 रुपी ब्रैकेट में काफी बड़ा सेल होता है. ऑलमोस्ट आई थिंक 20% ऑफ द सेल्स कम्स फ्रॉम दिस अंडर 1000 रुपी ब्रैकेट. और उसके साथ साथ यू नो देयर आल्सो टॉकिंग ऑफ यू नो इंट्रोड्यूसिंग न्यू लाइंस, और उनका एक टाई अप एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ भी होने की संभावना है. तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जरूर लगता है, यू नो द स्टॉक इज ऑलरेडी रन अप, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से भी एक आप अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड 200 कुड बी द टारगेट दैट यू कुड लुक एट फॉर लिबर्टी शूज. लिबर्टी में भी 200 रुपए तक का टारगेट है, शर्मिला कह रही है यहाँ पे भी आप खरीदारी करें. रिलैक्सो एक बड़ा बेनिफिशियरी है, ब्लू स्टार हो गया उनकी लिस्ट में, और बाटा. हालांकि उन्होंने 3 तो फुटवेयर की कंपनीज दी, लेकिन एक जो कंपनी है वो है ब्लू स्टार, जो कि रेफ्रिजरेशन और कूलिंग के अंदर है. यहाँ पर भी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा. जीएसटी की दर 28% से 18% हुई है. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, शर्मिला के कॉल्स तो पूरे हुई हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संजीव जी के ट्रेड्स भी हैं, ताकि जीएसटी का सीधा बेनिफिट आपको गुड स्टॉक टू ट्रेड में मिल जाए. एक छोटे से ब्रेक का संजीव जी के कॉल्स होंगे. ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है. हमारी एक खास सीरीज चल रही है जिसमें हम जीएसटी के बड़े बेनिफिशियरी हम आपके सामने रख रहे हैं. हालांकि प्रोडक्ट तो 100 से ज्यादा घटाए गए दरें, लेकिन क्या सारे के सारे प्रोडक्ट आपको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, नहीं, किन की ग्रोथ अच्छी है, किन में ज्यादा अच्छी बैलेंस शीट्स है, और किसके फ्यूचर आपको ज्यादा ब्राइट दिखते हैं, इसलिए हमने छांट के करीब 9 ही शेयर अब तक रखे हैं. शर्मिला ने 3 फुटवेयर कंपनीज हमको बताई, लिबर्टी, बाटा उनकी लिस्ट में है, साथ ही रिलैक्सो, और एक शेयर उनका ब्लू स्टार है. अब संजीव जी की पसंदीदा शेयर जानते हैं. संजीव जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज बिजनेस को समय दिया आपने. मेरे को आपसे ये समझना है कि इस बार जीएसटी की जो अनाउंसमेंट हुई है अपने आप में बड़ी हिस्टोरिकल थी और इम्पोर्टेंट भी रही है मार्केट के लिए, तो आपने ऐसे कौन से शेयर छाटे हैं जो कि जीएसटी का बड़ा बेनिफिशियरी होंगे, ये जो दरें कम हुई हैं सर? तो मैं तो गुड और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टैंड आउट करते हैं. आईएमपी माउंटेन कंज्यूमर वर्लपूल हैव एक्स्ट्रा एंड पे जो यूजेज, ये सारे बहुत बढ़िया है. जैसे आपने फुट का है, आईडीसी को नेगेटिव नहीं आया, और जो बाकी शुड बी अ बिग गेनर, तो इस कारण ये कंजम्पशन है उसका भी सब फायदा होएगा. रोबस्ट मानसून है, आगे जाते की ग्रोथ बहुत लग रही है. ठीक है संजीव जी, आइए आईएफपी इंडस्ट्रीज पे आपका टारगेट क्या बनता है, 1250 तक आ सकता है शेयर? 12 के ऊपर ही सकता है अगर आप देखने की चेष्टा कीजिए. ये शेयर आउट परफॉर्मर और इनमें ओनरशिप है, लेकिन और महंगे हो जाए. ठीक है, ये अप्लायंसेस से जुड़ी हुई कंपनी है, हालांकि काफी सारे प्रोडक्ट आईएफबी के तो मार्केट लीडर है. आपको वॉशिंग मशीन मालूम ही है, आईएफबी में उसका बड़ा हिस्सेदारी है, और वॉशिंग मशीन पे ही दरें करीब 28% से घटाकर 18% की गई हैं. इसके अलावा फ्रिज में भी आईएफबी का बड़ा नाम है, और ये भी बड़ा बेनिफिशियरी इसका बनता हुआ दिखेगा. और वैसे भी ये शेयर आपने कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक और अपनी स्टडी ग्रोथ के लिए काफी जाना जाता है आईएफबी, और इसका बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे इस बार जीएसटी के अंदर मिलेगा, तो इसलिए ये शेयर बन जाएगा गुड शेयर टू ट्रेड. अब आगे आते हैं दूसरे शेयर पे. बसीन जी, इसी कैटेगरी में एक वर्लपूल भी है, वो वॉशिंग मशीन में है, रेफ्रिजरेशन में है, और साथ ही साथ उसका कंप्रेसर भी बड़ा फेमस है. वर्लपूल का कई बार कंप्रेसर तो दूसरों के फ्रिज में भी लगता है, उसके कॉम्पिटिटर के फ्रिज में भी वर्लपूल का कंप्रेसर लगता है, तो आपकी लिस्ट में वो भी है क्या शेयर? हाँ बिल्कुल, वर्लपूल तो आउट, उसकी मैं अभी आपके पास वापस लौटता हूँ संजीव जी, आपका शायद फोन मेरे को अच्छी तरह से आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन वर्लपूल भी उनकी लिस्ट में आता है. यहाँ पे वॉशिंग मशीन प्यूरिफिकेशन का बेनिफिट इनके अकाउंट में जाएगा. आपको मालूम है कि इस बार दरें घटाई गई है, ये 28% से घटाकर 18% की गई है, और जैसे शर्मिला ने भी शुरुआत में ये बात रखी जब ब्लू स्टार के बारे में बता रही थी कि खपत में तो कोई कमी है ही नहीं, बल्कि ये तो बढ़ रही है, स्टडी ग्रोथ से बढ़ रही है, इसका सीएजीआर बहुत बेहतर है, उल्टा आप टैक्स में कम करके इसकी खपत को और फ्यूल मिला है. इसमें जो कंपनीज जिनका स्ट्रांग लीडरशिप है, जिनके पास पक्का नेटवर्क है अपने आउटलेट्स का, या फिर ऑनलाइन फैसिलिटीज है अपने कंज्यूमर तक पहुंचने की, वो सारी के सारी कंपनीज बेनिफिशियरी होंगी जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के अंदर हैं, और जिनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड है,
होम अप्लायंसेस का काफी बड़ा कारोबार है और वो सभी के सभी कंपनियां बेनिफिट होंगी। और एक और चीज है वो है मॉनसून और सरकार का पूरा ग्रामीण भारत पर जोर होना। दो तरीके से, पहला मॉनसून अच्छा आएगा तो उससे प्रोडक्टिविटी यानी कि गांव के अंदर पैसा पहुंचेगा, दूसरा सरकार ने एमएसपी बढ़ाई तो प्रोडक्शन बढ़ाने से जो दिक्कत हो जाती कि पूरे आपको दाम नहीं मिल पाते, काफी सारे प्रोडक्ट्स के दाम एमएसपी बढ़ा दी गई है, नोटिफिकेशन सरकार लेके आ चुकी है और आने वाले दिनों में भी कुछ और राहत ग्रामीण भारत में पहुंचेगी। तो इसलिए बेहतर मॉनसून से बेहतर प्रोडक्टिविटी जाया नहीं जाएगी, इस बार काम आ सकती है। और दूसरा टैक्स की दर जीएसटी ये भी हो सकता है। तो संजीव जी की लिस्ट में दो शेयर आए हैं इसी कैटेगरी में जो सीधा सीधा कंजम्पशन का है और व्हाइट गुड्स कंजम्पशन का है, उसमें आईएफबी इंडस्ट्रीज आता है और साथ ही साथ वर्लपूल है। वर्लपूल का मैं आपको टारगेट बता दूं वह है 1650 और आईएफबी इंडस्ट्रीज का टारगेट है 1250। इन दोनों के दरें 28% से 18% के आसपास घटी हैं। अब आते हैं एक ऐसे सेगमेंट पे जहां पे कहीं ना कहीं सरकार या फिर ये कहें कि कंजम्पशन की पूरी बहार अभी आना बाकी है, वो फेस्टिवल सीजन के साथ बहुत तेजी के साथ आता है, वो है पेंट इंडस्ट्रीज। पेंट पे भी सरकार ने जीएसटी दरें जो है घटाई हैं या 28% से 18% कर दी हैं। संजीव जी से जानते हैं इस पेंट इंडस्ट्रीज का कौन सा शेयर है। संजीव जी आपकी तरफ से कौन सा शेयर होगा, शायद लग रहा है उनसे बात तभी नहीं हो पाएगी, लेकिन जैसे उनसे बात होगी तो उनका पसंदीदा शेयर भी जानेंगे। लेकिन एक बार शर्मिला के जो शेयर्स हैं एक बार वापस से मैं आपको दिखा दूं ताकि आप नोट कर पाए, आपको पता लग पाए कि कौन कौन से शेयर उन्होंने दिए हैं। उनके लिस्ट में जो शेयर आते हैं पहला है ब्लू स्टार, ये किस पे आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा उनकी लिस्ट में रिलैक्सो है, लिबर्टी और बाटा, ये टारगेट्स भी आपके सामने हैं, आप यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हैं। संजीव बिसेन इस बीच मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। वर्लपूल उन्होंने दिया, आईवी इंडस्ट्रीज दिया। बसीन साहब पेंट वाली कौन सी कंपनी है? तो पेंट में तो ऑब्वियसली मार्केट लीडर एशियन पेंट है, लेकिन बर्जर पेंट यहाँ पे आज आई थिंक आज या कल में नया हाई मारा है। वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द पेंट सेगमेंट और उसमें एक नेगेटिव ये है कि क्रूड के प्राइसेस थोड़े से एस्केलेट हुए हैं, लेकिन एशियन पेंट्स हैज 63% ऑफ द मार्केट शेयर और बर्जर इज ऑल्सो गैदरिंग मार्केट। तो डेकोरेटिव सेगमेंट में मेरे को लगता है बर्जर कैन बी अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर। यहाँ पे मैं आई डोंट रूल आउट टारगेट्स क्लोज टू 325 टू 335 इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। ये तो अपने आप पे काफी बेहतर ही है। अगर एशियन पेंट के बाद किसी देश में सबसे बड़ा किसी का अगर नेटवर्क है ग्राहकों तक पहुंचने का, वो बर्जर पेंट का है। रही तक मार्जिन्स की बात, क्रूड से 35% मार्जिन्स के तय होते हैं, लेकिन वो भी अब ठंडा हो गया है। अब $80 से करीब $70-72 चल रहा है और आने वाले क्वार्टर्स में इसका बड़ा बेनिफिट होगा। और क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी आगे चल रहा है, अब इसमें दरें उससे पहले घट गई हैं, 28 से 18% की गई हैं, तो उसका बेनिफिट भी आपको बर्जर पेंट में जरूर दिखेगा। टेक्निकल ब्रेकआउट तो है ही है, बर्जर पेंट 325 संजीव जी का एक और पसंदीदा शेयर इसी कैटेगरी में आते हैं। संजीव जी इस बार आप एक और चीज है जो कि आने वाले दिनों में पक्का बेस बना रही है ऑटोस के अंदर, जो ऑटो एंसिलरी में एक हिस्सा है वो है बैटरीज का, उसमें जो लिथियम बेस्ड बैटरीज है उसका रोल शायद और बढ़ेगा। सरकार ने दरें घटाकर ये मैसेज दिया है कि आने वाले दिनों में ई व्हीकल्स को लेकर वो बड़ी योजना पर काम कर रहे हैं। इस कैटेगरी में आपका कौन सा शेयर है? इस कैटेगरी में एक्साइड स्टैंड आउट करता है। उन्होंने एक्साइड ने ऑलरेडी लिथियम आयन की उनका प्लांट में अपग्रेड चल रहा है, दे आर इंक्रीजिंग कैपेसिटी। और मुझे वैसे भी एक्साइड इट्स अ डुओपॉली है या एक्साइड है या अमर राज है, और एक्साइड ने लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। डिम्पी आपके चैनल में 200-205 पे मैंने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था एक्साइड का, और अब मैं दावे से कहता हूं अगर क्रूड इस भाव रहेगा तो द एसेंट ऑफ मोस्ट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग इंडियन गवर्नमेंट टुवर्ड्स ई व्हीकल्स विल बी मच स्ट्रॉन्गर। और एक्साइड का आई डोंट रूल आउट टारगेट्स ऑफ 285 इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन अगर आप इसमें 1-1.5 साल का नजरिया रखें तो 325 का भाव आपको दिख सकता है। ये नया बदलाव जो बड़ी कंपनी जिनके पास बेस अच्छा है, जिसका प्रोडक्शन कैपेसिटी अच्छी है और जो मांग को एक तरफा पूरे भी कर सकते हैं, अगर सरकार को रेगुलेशन भी लेके आ जाए इस बीच, तो वैसे भी बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है शेयर। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज आप इस पर जरूर ध्यान रखें, 285 तक का टारगेट है और सरकार ने इस पर जीएसटी की दरें भी घटाई हैं, और लिथियम बैटरी पे जो कंपनी का फोकस है वो नो डाउट आने वाले दिनों में तेजी से बढ़ेगा। अभी जो लेड और कॉपर इस्तेमाल हो रहा है वो भी सिक्लिक है, दाम बढ़ने के बाद वहां पर भी तेज गिरावट आई है, तो उसका बेनिफिट आने वाले क्वार्टर्स में आपको जरूर दिखेगा। और ये प्योर कंजम्पशन का प्ले भी है, हालांकि सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी वाले में काफी काम किया है, लेकिन उसके बावजूद पूरा का पूरा जो डैमेज
पावर फॉर ऑल वाला होता इन बैटरी कंपनीज को ट्रांसफर हो गया है आगे चल के ऑटोस के अंदर। तो इन सभी कंपनीज के लिए ऑटो एक बड़ा डिवीजन है। अब आते हैं एक कंज्यूमर्स के अंदर, क्रॉम्पटन ग्रूम बड़ा नाम है इसका, काफी सारे प्रोडक्ट इसके अंदर है, लाइटिंग कारोबार के अंदर बड़ी कंपनी है। संजय जी ये भी आपके लिस्ट में है? हाँ बिल्कुल, क्रॉम्पटन कंज्यूमर ने एक अपना रिवैम्प किया है, दे हाइव्ड ऑफ देयर अदर बिजनेसेस एंड मुझे लगता है यहाँ से इसका हैवल्स का और बजाज इलेक्ट्रिकल का मार्केट शेयर और डोमिनेंट हो जाएगा एंड सम ऑफ पार्ट्स में इट शुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशरीज, क्योंकि एक तो इनकी ब्रांड सबसे पुरानी है, साथ में जो इनका वर्टिकल है ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इलेक्ट्रिकल्स में, एंड थर्डली ये रिलीफ से आई थिंक उनके मार्जिन विल एक्सपैंड वेरी स्ट्रांगली। फोर्थली आपको जैसे ऑलरेडी पता ही है बारिश ऑलरेडी महाराष्ट्र और उस एरिया में बहुत स्ट्रांग हुई है एंड क्रॉम्पटन इज अ वेरी वेल नोन ब्रांड इन दैट एरिया। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी अपने इसी बेस की वजह से जो उसके होम अप्लायंसेस का कारोबार है, जिसका स्विच केयर का कारोबार है, वो कहीं ना कहीं इसके हक में बिल्कुल जाता हुआ दिख रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे भी आप ध्यान रखें, ये कंज्यूमर कारोबार अलग हुआ, इसका इंडस्ट्रियल डिवीजन ऑलरेडी अब अलग हो चुका है, वो सीजी पावर के अंदर जा चुका है। ये क्रॉम्पटन कंज्यूमर हार्ड कोर इम्प्लायंसेस वाली कंपनी बन चुकी है और 275 का टारगेट है, सीधा हाउस होल्ड को कनेक्ट करती है। और हमारे पास ये जानकारी है कि आने वाले एक साल के अंदर कंपनी कम से कम 5 नए प्रोडक्ट और उतार सकती है जो कि मार्केट को कैटर करने वाली है। तो डिस्पोजेबल इनकम का बड़ा हिस्सा इन्हीं कंज्यूमर गुड्स पे खर्च हो रहा है, इसलिए शर्मिला की लिस्ट में भी और बसीन साहब की लिस्ट में भी भारत का ही फ्लेवर दिखा, वो जीएसटी कम होने के साथ साथ जो खपत का हिस्सा है भारत के अंदर जो बनता हुआ दिख रहा है, अच्छी डिस्पोजेबल हिस्सा खर्च हो रहा है वो सभी के सभी शेयर है। जल्दी से एक बार आप नोट कीजिए संजीव जी के शेयर, उनकी तरफ से पहला शेयर दिया गया वर्लपूल 1650 का टारगेट, वॉशिंग मशीन में और प्यूरिफिकेशन के अंदर जो दरें घटाई गई हैं उसका बेनिफिशियरी, बर्जर पेंट इंडस्ट्रीज के लिए दिन और बेहतर आ रहे हैं, दरें इनकी भी घटा दी गई हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिथियम बैटरी का बेनिफिट है, आईएफबी इंडस्ट्रीज भी होम अप्लायंसेस और क्रॉम्पटन ग्रीव्स भी इसी तरह के बिजनेस के अंदर है, इस सब के सब इसके बड़े बेनिफिशियरी होंगे, मानसून खर्च की क्षमता ये सारे मेजर ट्रिगर इसके साथ बन रहे हैं। अब आते हैं शर्मिला के शेयर्स पे, उनकी तरफ से ब्लू स्टार, बाटा, लिबर्टी, रिलैक्सो ये कुछ एक शेयर्स दिए गए हैं जहां पर आप एक ट्रेड दे सकते हैं। में कौन से शेयर हमारे हक में आएंगे, कौन से शेयर हमको आगे चल के भी ग्रोथ दिखाएंगे, उसकी लिस्ट बनाना जरूरी था, इसलिए हमने जीएसटी का नाम बदल के गुड शेयर टू ट्रेड भी रखा। संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, शर्मिला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए सारे के सारे सौदे। उम्मीद करते हैं इस बार जीएसटी आपके पोर्टफोलियो में होगा, पहले तो विरोध होता रहा लेकिन अब जीएसटी रखिए, ये जीएसटी सरकार वाला जीएसटी नहीं बल्कि ये जीएसटी जी बिजनेस वाला जीएसटी है। गुड शेयर टू ट्रेड, नमस्कार।